हरे कृष्णा राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का पर्व आने को है और दिवाली का पर्व धनतेरस से ही शुरू होता है और हम लोग माता लक्ष्मी को इसी दिन से अपने घर में आमंत्रण देते हैं कि वो अपने शुभ चरण हमारे घर में लेकर के आएं और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो मित्रों, आज मैं कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करूंगी जिनको अगर आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आप सब धन और वैभव को प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम जो वस्तु हम लोग लेके आएंगे वो है झाड़ू। प्राचीन समय से झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और झाड़ू जो लेनी है हमें वो दोनों प्रकार की लेनी है, हमें फूल झाड़ू भी लानी है और हमें सीख वाली झाड़ू भी लानी है। और अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए झाड़ू का गुप्त दान भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसमें आप 5, 7, 4 या 2 या 1 कितनी भी झाड़ू खरीद कर किसी भी मंदिर या किसी भी ऐसे स्थान पर रख के आ सकते हैं जहाँ से कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति उसको उठा सके और इस्तेमाल कर सके। लेकिन याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपने दान करी है। आइए अब दूसरी वस्तु की चर्चा करते हैं। ये है सूखा साबुत धनिया। सूखा साबुत धनिया जो है, इससे हमें यह लाभ होता है कि अनावश्यक खर्चे जो हमारे घर में होते हैं, पैसा हमारे घर में रुकता नहीं है, वह खर्चे बचेंगे। और पूजा के बाद अगर आप इसको गमले में डाल देते हैं और ये उगता है तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसमें भी लक्ष्मी का वास और लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। आइए अब तीसरी वस्तु की बात करते हैं। तीसरी वस्तु है नमक। अगर देसी नमक मिल जाता है जो ढीली वाला होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दूसरा नमक भी ले सकते हैं। धनतेरस से 5 दिन मतलब भाई दूज तक इसी नमक का प्रयोग करें। घर में खाना बनाने में, घर में झाड़ू पोछा होने में आप इसी नमक का प्रयोग करेंगे और इस नमक के ख़त्म होने से पहले ही आप दूसरा नमक उस डिब्बे में डाल देंगे। मतलब इस नमक का थोड़ा सा अंश पूरे साल तक आपके घर में बना रहे तो यह बहुत ही विशेष रूप से आपके घर की और आपके घर में रहने वाले सदस्यों की हर प्रकार से रक्षा करता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। मित्रों, अगली वस्तु है गोमती चक्र। यह चक्र के आकार के होते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। यह हमारे सुख और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं, परिवार के सदस्यों का आर्थिक व मानसिक विकास करते हैं। तो दिवाली की पूजा में इसका एक विशेष महत्व है। यह आप अपने घर में धनतेरस के दिन अवश्य लेकर के आएं। गोमती चक्र के पूजन से आपका रुका हुआ या फंसा हुआ जो धन होता है, जैसे किसी ने आपसे उधार में पैसे ले रखे हैं या आपका कहीं से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार का जो फंसा हुआ धन होता है गोमती चक्र के प्रभाव से बहुत जल्दी आपके पास वापस आता है, आपका धन आपके पास संचित रहता है। माता लक्ष्मी की अगली अति प्रिय वस्तु है कौड़ी। कौड़ी के बारे में कौन नहीं जानता है मित्रों। कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, भगवान कुबेर को भी कौड़ी से अत्यधिक प्रेम है। कौड़ी जो होती है ये घर में धन की वृद्धि करती है, अन्न की वृद्धि करती है। दिवाली पूजन के पश्चात आप इसको यदि अपने लॉकर में रखते हैं या अपने पूजा स्थल में रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी, श्री हरि और भगवान कुबेर की एक विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अब हम श्री यंत्र के बारे में चर्चा करें। श्री यंत्र एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है जो धन और यश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिस घर में श्री यंत्र स्थापित होता है उससे माता लक्ष्मी कभी भी नहीं रूठती हैं। यह ये खड़ी आकृति में भी आता है और ये चित्र के रूप में भी आता है। आप कैसा भी श्री यंत्र घर में रख सकते हैं लेकिन उसकी नियमित पूजा अवश्य करें। मित्रों, अब हम बात करेंगे मिट्टी के दिए की। मिट्टी का दिया, जैसे नाम से ही पता चलता है, मिट्टी मिट्टी जो होती है वो धरती का स्वरूप होती है, धरती माता का स्वरूप होती है। जिस घर में मिट्टी के दिए से पूजा करी जाती है उस घर की संपत्ति दिनों दिन बढ़ती है और उसकी संपत्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। माता लक्ष्मी को मिट्टी के दिए बहुत प्रिय हैं।
अपनी पूजा में आप मिट्टी के दियों का प्रयोग करें, प्लास्टिक और सिंथेटिक दियों का प्रयोग ना करें और मिट्टी के दिए को आप घी या तेल से जलाएं। आजकल मार्केट में वैक्स के दिए आ रहे हैं, वो मान्य नहीं है। अतः दिवाली पूजन के लिए आप अपने घर में मिट्टी के दिए लेके आएं। 13 दिए धनतेरस वाले दिन अपने घर के अंदर जलाएं और 13 ही दिए बाहर जलाएं, तो आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कितनी कृपा आपके घर में होगी, किसी की बुरी नज़र आपके घर को कभी भी नहीं लगेगी। सात मुखी रुद्राक्ष। मित्रों, रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली होता है और सात मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी का भय नहीं रहता है और घर के सदस्यों की बुद्धि पर ये हमेशा नियंत्रण करके रखता है। अतः यह रुद्राक्ष अगर आप धनतेरस के दिन लाते हैं तो ये बहुत अधिक फल प्रदान करता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश की प्रतिमा घर में लाई जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। कोशिश करिए कि आप मिट्टी की प्रतिमा लेकर के आइए, और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की धातु की प्रतिमा स्थापित है तो आपको मिट्टी की प्रतिमा नहीं लानी है, आपको उन्हीं धातु की मूर्तियों का अभिषेक करके पूजन करना है। मित्रों, लक्ष्मी थोड़ी चंचला होती हैं, अतः धन के संचय के लिए हमें कुबेर का पूजन करना होता है। अतः जो कुबेर यंत्र होता है वो आपके घर में धन को संचय करके रखेगा, स्थिर करके रखेगा, कोई भी अनावश्यक खर्चा आपके ऊपर नहीं आएगा। अतः कोशिश करिए कि इस धनतेरस आप अपने घर में कुबेर यंत्र अवश्य लेके आएं और उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन सोने अथवा चांदी के आभूषण घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप आभूषण नहीं लाएं तो एक चांदी का सिक्का भी घर पे ला सकते हैं, नहीं तो पहले से जो रखा हुआ सिक्का है उसको भी पूजा में आप रख सकते हैं। और देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन हमें बर्तन लेके आने होते हैं। क्या आपने सोचा है कि उसका धार्मिक कारण क्या है? आज मैं आपको बताती हूँ। सागर मंथन जब हुआ था तो भगवान श्री धन्वंतरी अमृत का पात्र लेकर के प्रकट हुए थे और वह पात्र उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रदान किया था। अतः बर्तन का मतलब ये है कि जिस घर में धनतेरस वाले दिन हम बर्तन लेकर के आते हैं उस घर में आरोग्य और स्वास्थ्य की हमेशा वृद्धि होती है, कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कोशिश करिए कि आप नॉनस्टिक यानी काले बर्तन ना लेकर के आएं, लोहे का बर्तन ना लेके आएं, और आप अपने घर के लिए कितने भी बर्तन लें लेकिन कम से कम 1 से 5 बर्तन अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए अवश्य लें। धनतेरस के दिन अनार की कलम लाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, साथ ही बच्चों के लिए पेन पेंसिल भी घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अनार की कलम के द्वारा ही हमारे सारे पुराण और धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। इस दिन लाई गई किसी भी कलम या पेन या पेंसिल जिसको भी आप लेकर के आते हैं, आप किसी विशेष मकसद से अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको साइन करने हैं, तो आप उस पेन और पेंसिल को अवश्य लेके जाइए। बच्चे अपने एग्जाम में वो पेन लेकर के जाएं, उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। भोजपत्र। मित्रों, पहले किसी को भी किसी शुभ अवसर में आमंत्रित करने के लिए अनार की कलम से भोजपत्र में निमंत्रण लिख के भेजा जाता था। अतः यदि आप लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो रोली की सहायता से अनार की कलम से अगर उनका नाम भोजपत्र पे लिख करके अपने पूजा स्थान पे रखेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके घर आएंगी और उनकी एक विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन कॉपी और पूजा की किताबें खरीदने का भी विशेष महत्व है। कमल गट्टा तो हमारी माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यदि आप कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके जाप को स्वीकार करती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। अब मित्रों, इन सभी शुभ वस्तुओं में से अगर आप पूरी वस्तुएं ना भी ला पाएं, इनमें से 5 या 7 वस्तुएं भी अपने घर में लेके आइए तो माता लक्ष्मी आप पे अवश्य कृपा करें। धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।